नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपके पास में CSC ID है, आप एक कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक हैं और आप अपनी CSC ID से ई श्रम में वर्क करते हैं, दोस्तों आप अपनी CSC ID से ई श्रम कार्ड बनाते हैं, पर दोस्तों आपको नहीं पता कि आपकी CSC ID से कितने कार्ड बन चुके हैं, कितने कार्ड पेंडिंग में हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा आपको कि आप किस प्रकार पता कर सकते हैं कि आप अपनी CSC ID से कितने कार्ड बना चुके हैं, कितने कार्ड पेंडिंग में हैं, किस प्रकार क्या स्टेटस है आपकी आईडी का। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में आकर सिंपली आपको ई श्रम टाइप कर लेना है, और ई श्रम टाइप करने के बाद में सिंपली आपको अपनी CSC ID डालकर ई श्रम के पोर्टल से कनेक्ट कर लेना है, जिस प्रकार यहाँ पर डैशबोर्ड पे मैं कर रहा हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपनी CSC ID फिल कर लेना है, पासवर्ड फिल करके कैप्चर फिल करके साइनअप पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे ही साइनअप पे क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर ई श्रम का जो डैशबोर्ड है आपकी CSC ID से कनेक्ट होकर शो होता है, तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर दोस्तों ना ही तो दिखाई देता है कि आपने कितने कार्ड बना दिए हैं, ना ही यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके कितने कार्ड पेंडिंग में है। आपको यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, खाली यहाँ पर डैशबोर्ड और UW रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, और यहाँ पर UW रजिस्टर पे क्लिक करके आप नया ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, पर यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं होता है कि आपने कितने कार्ड बना दिए हैं। आज की इस वीडियो में बिल्कुल नया और बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा कि आप किस प्रकार अपनी CSC ID में चेक कर सकते हैं कि आप कितने ई श्रम कार्ड बना लिए हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको वापस से बैक आ जाना है, और यहाँ पर ऐसा डैशबोर्ड शो होगा, तो यहाँ पर आपको होम, डैशबोर्ड, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के कुछ ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, इस प्रकार का वीडियो बहुत से लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, पर उन वीडियोज़ में बहुत सारी कन्फ्यूज़ है, एक रियली अच्छे से चेक नहीं कर पा रहा है कि हम हमारी CSC ID में कितने कार्ड बना चुके हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देके आपको समझना है, आप बिल्कुल इजी वे में यहाँ पर आप समझ जाओगे। तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, और आपको दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर हमारा जो सेलेक्ट है, हमारा जो स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारा स्टेट यहाँ पर राजस्थान है, तो हम राजस्थान पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद में मॉड्यूल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट आल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर CSC पे क्लिक करके छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो CSC से जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं आपके स्टेट में, वो सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी जो राजस्थान स्टेट है 16,63,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, आपको लगातार स्क्रॉल डाउन करते जाना है, आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे सबको इग्नोर करते हुए। इसके बाद में आपने जो अपना स्टेट सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर प्लस वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्लस वाले बटन पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारी डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर CSC जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं CSC ID से, वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अजमेर में 80,000 हो गए, अलवर में 86,000 हो गए, इसी प्रकार आपको भी अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ढूंढ लेना है। तो चलिए हम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जयपुर से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जयपुर आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर जयपुर मिल गया है। तो अब जयपुर के सामने यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है, सिंपली हम इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर जयपुर डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी CSC ID से ई श्रम कार्ड बन रहे हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी CSC ID यहाँ पर आ चुकी है, और उसके सामने जितने कार्ड बने हैं जिस CSC ID से, वो कार्ड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और टोटल रजिस्ट्रेशन की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आपने जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की है उस डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी CSC ID में काम हो रहा है वो सारी CSC ID आपको यहाँ पर शो हो जाएगी।
अब यहाँ पर आपको अपनी CSC ID ढूंढनी है। अब यहाँ पर जो मेजर समस्या आती है वो दोस्तों आपको यहाँ पर EGV में अपनी CSC ID नहीं मिलती है बहुत से लोगों को। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको फिल्टर वाला ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाओगे यहाँ पर आप दोस्तों आप यहाँ पर दिख रहा होगा। तो सिंपली आपको इस फिल्टर वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों ये जो CSC ID है वो सीरियल वाइज आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल वाइज ID यहाँ पर हमें नज़र आ चुकी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 11 की जो सीरियल जितनी भी आइडिया है 11 नंबर की सीरियल से वो सारी आइडिया आ चुकी है। इसके बाद में 12 नंबर से सीरियल की आइडिया चालू होगी, इसके बाद में 13 की होगी, 14 की होगी। तो दोस्तों जो आपकी CSC ID जिस सीरियल नंबर से स्टार्ट होती है सिंपली आपको जल्द जल्दी से नीचे कर लेना है। जैसे दोस्तों मेरी जो CSC ID है वो 51 नंबर के सीरियल से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी नीचे करता हूँ और यहाँ पर 51 नंबर निकाल लेता हूँ। इस मेथड से आप जल्दी से अपनी CSC ID ढूंढ पाओगे और पता लगा पाओगे कि आपने अपनी CSC ID से कितने कार्ड बना लिए हैं। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर रेगुलर क्लिक किए जा रहा हूँ और ये CSC ID चलती जा रही है। यहाँ पर 42वीं सीरीज आ चुकी है, यहाँ पर 43वीं आ चुकी है, 44वीं आ चुकी है। आपको भी इसी प्रकार जल्दी जल्दी क्लिक करके यहाँ पर IDs नीचे कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 51 नंबर की सीरीज आ चुकी है, तो यहाँ पर 51 नंबर से 51 31 हमारी ID है। तो 51 31 में थोड़ा सा ऊपर करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 51 नंबर की 31वीं सीरीज हमें देखनी है। तो हमारी ये ID हमें मिल चुकी है दोस्तों 51 31 35 44 00। तो हमारी ID में यहाँ पर 844 कार्ड बन चुके हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। अब आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आपने ज़्यादा कार्ड बना लिए हैं और यहाँ पर आपके कार्ड कम शो हो रहे हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आ रही है कि हमने कार्ड ज़्यादा बना लिए हमारी ID से और इस मेथड से हमारी ID में कार्ड हमें कम शो हो रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों रियल टाइम अपडेट नहीं चलता है। यहाँ पर अगर आप 50 कार्ड बना लेते हैं तो आपके ये 50 कार्ड कम से कम 4 से 5 दिन के बाद में यहाँ पर अपडेट होते हैं और एक्चुअल नंबर आपको यहाँ पर 4 से 5 दिन बाद में ही शो हो जाएंगे। तो मैंने मेरी CSC ID से कार्ड अभी मैं 10-5 दिन से नहीं बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे एक्चुअल कार्ड आ चुके हैं 844 कार्ड। तो दोस्तों इसी प्रकार आप भी अपनी ID से चेक कर सकते हैं कि आपने कितने कार्ड बना लिए हैं। फिर भी दोस्तों आपके कुछ समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लिख के पूछ सकते हैं, मैं सभी का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद जय भारत।